मेरा नाम रंथू साहू, प्रखंड खलारी, जिला रांची, राज्य झारखंड, उत्क्रमित मध्य विद्यालय महावीर नगर ऊपर टोला में 18-20 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ। और जब विद्यालय की शुरुआत हुई थी उस समय की स्थिति और अभी की स्थिति में बहुत अंतर दिखाई दे रही है। और जब से शून्य निवेश नवाचार प्रारंभ हुई, हमारे श्री अरविंदो सोसाइटी, HDFC बैंक जब से प्रारंभ हुआ तब से 4 चांद लग गया और बच्चे आकर्षित होते गए। बच्चे को समूह में बांटकर तरह तरह की गतिविधियां कराकर आकर्षित किया गया। जो बच्चे नहीं आ पा रहे थे उनको पेपर कटिंग के माध्यम से, अन्य गतिविधियां के माध्यम से उनके घर जाकर बाल संसद को साथ में ले जाकर वहां समूह में आधे घंटा का पाठ्यक्रम करके उनको स्वागत करके उनके साथ वाद्य यंत्र गायन करके संबोधित किया गया, जिसके कारण वहाँ के ग्रामीण बच्चे, जन प्रतिनिधिगण बहुत संतुष्ट हुए। और अभी के तिथि में जो शिक्षा से वंचित रह रहे थे, अभिभावक अशिक्षित थे, वे विद्यालय तक पहुंचाना प्रारंभ कर दिए और पेपर के माध्यम से, होमवर्क के माध्यम से पुराने किताब बिखरा पड़ा फेंकाया हुआ कबाड़ से जुगाड़ करके सभी गतिविधियां में समाहित कर रहे हैं। मेरा विषय चित्र कथा के माध्यम से व्यक्तित्व विकास। इस नवाचारी विषय पर बहुत ही गहरा संबंध है। जब हम सोते हैं और जब आंखें खुलती है तो बहुत सारे चित्र दिखाई पड़ती है और वो चित्र को देखने के बाद मालूम चलती है कि उसका आकार कैसा होता है, उसका गुण कैसा होता है और उसमें अच्छाइयाँ बुराइयाँ तरह तरह की एक्टिविटियाँ उससे मालूम चलती है। चाहे आप जानवर को देख ले, चाहे व्यक्ति को देख ले, चाहे नदी को देख ले, पेड़ को देख ले, टोटल चित्र देखने के बाद मालूम चल जाती है कि किसमें क्या क्या गुण है, क्या अवगुण है। और चित्र के माध्यम से कहानी, चुटकुले, कॉमिक्स यानी अन्य तरह तरह की गतिविधियां को शामिल करके बच्चे को आकर्षित करके हम बच्चे को आकर्षित कर सकते हैं। इसके माध्यम से बच्चे को बोझिल समझ नहीं आएगी और आराम पूर्वक खुशी संतुष्ट होकर आनंद पूर्वक करने का वो प्रयत्न करेंगे। और जब उनकी विकास होगी तो उनके छोटे भाई बहन भी खेल के माध्यम से उनको भी बताने का प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ जब उनके माता पिता को जब वो बताना चालू करेंगे तो मालूम चल जाएगी उनके माता पिता को कि हमारा बच्चा में व्यक्तित्व का विकास हो रही है। इसके साथ साथ जब एक दूसरे के साथ कंपटीशन की जब भावना आएगी तो उनको पता ये चलेगा कि कोई उसको याद करता है और कोई एक चित्र के माध्यम से आराम से सोल्यूशन कर लेता है और हंसी खुशी वो रहता है और वो उनको कहीं दिमाग लगानी पड़ती है और इनका एक्सपीरियंस गतिविधि के द्वारा इनको आराम से हल हो जाती है। इसके साथ साथ बच्चे चित्र के माध्यम से अपने चित्र बनाने के बाद अपना विश्लेषण आराम पूर्वक कर सकता है और वो चित्र चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो विस्तारित रूप में
गतिविधि के करने के बावजूद अच्छे से अच्छे अंक लाने में प्राप्त कर सकता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।